नमस्कार, मी रवी कुमार, नॅशनल आवाज मध्ये आपलं स्वागत. मनपा प्रशासन एवढे निगरगट्ट कसे? जनतेचा सवाल. पालिकेवर ज्यांची सत्ता आहे त्यांचा वचक राहिला नाही का? आम्ही आपल्याला सांगू इच्छितो की मौलीगंज परिसरात मागील 20 वर्षापासून पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नांनी नागरिक पूर्णतः ग्रासले आहेत. त्यांची तहान प्रशासन भागवणार का तिथले नगरसेवक भागवणार, हा प्रश्न मौलीगंज परिसरातील नागरिकांना पडला आहे. अन्सारी जाहीद हुसेन गुलाब कादिर यांनी मनपा प्रशासनाकडे वारंवार सदर प्रश्नाबाबत निवेदन दिली, परंतु त्यांच्या निवेदनाला प्रशासन जुमानत नाही असा गंभीर आरोप अन्सारी यांनी केला आहे. राजकमल टॉकीज पासून मौलीगंज ते शिवाजीनगर पर्यंत पाईपलाईन टाकून द्या या मागणीकरिता 20 वर्षापासून लढा सुरू ठेवला आहे. आज अन्सारी यांनी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागाकडे दाद मागितली, परंतु त्यांना दाद कुणीही दिली नाही. अधिकारी यांनी काहीच ऐकून न घेता ऑफिस मधून निघून गेले. शेवटी अन्सारी जाहीद हुसेन गुलाब कादिर यांनी खुर्चीला निवेदन देऊन प्रसार माध्यमांसमोर आपली व्यथा मांडली. यावेळी मौलीगंज परिसरातील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. ब्युरो रिपोर्ट, नॅशनल आवाज. हमारी मांगे पूरी करो. धुळे महापालिका आयुक्तों को निवेदन दिया था. ये हमारी माँ बहनें भी साथ में थी. हम लोग ने निवेदन दिया कि 20 साल से ये हमारे भाग में पानी नहीं आता है. 20 साल से हमारे भाग में पानी नहीं आता है और 20 साल से जो महापालिका को मैंने तकरार देता था उसकी उसी जोड़ के दिया तो गोसावी साहब थे, उन्होंने उसी डेम आदेश दिया. आज 5 महीना हो गया. 5 महीने से मैं यहाँ ये ऑफिस में आता हूँ. आयुक्तों साहब ने 5-7 दिन के अंदर सब सही करके ओगले राव साहब कैलाश सिंधे की सही आदेश दे दिया कि ये पाइपलाइन डाली जाए. लेकिन हमारे भाग के जो 15 नगर सेवक है 136 कोटी निधि आई है, उनको कुछ करने की गरज नहीं. सिर्फ हमारे भाग में कहाँ पानी आता कहाँ नहीं आता, इतना काम भी उनको करते नहीं आता था. वो काम मैंने किया, इसके लिए ये काम को हथौड़ा डाल रहे हैं और ये काम हो नहीं रहा. और जो हम भोई साहब है, ये भोई साहब और सूर्यवंशी साहब MGP ऑफिस के, ये क्या बोलते हैं कि हमको आयुक्त तो साहब ने मना किया है. मैं सुबह से यहाँ बैठा हूँ कि आयुक्त साहब ने आपको मना किया है तो आप मुझे पत्र दो, हम आयुक्त तो साहब से बात करेंगे. लेकिन उन्होंने कोई पत्र नहीं दिया. और जिस वक्त तो मैं हमारी माँ बहनों को लेकर यहाँ पहुँचा तो बोले मैं आयुक्त तो साहब को मिलने जा रहा, हमारा निवेदन भी नहीं लिया. और जो नगर सेवक लोग है वो अपनी मनमानी कौन से भी भाग में JCB मशीन ले आके और पाइपलाइन डाल दे रहे बेकायदेसी. उसको यहाँ से परमिशन नहीं, कोई प्रस्ताव नहीं, कुछ नहीं. लेकिन जो एक कायदेसर काम है, 20 साल की तकरार पे 20 साल से हमको पानी सही नहीं आता, हमारा काम नहीं किया जा रहा और नगर सेवकों का काम किया जा रहा. क्यों आयुक्त साहब को नगर सेवकों को वोट मांगने नहीं आने का है क्या? जो हमारे भाग के काम नहीं कर रहे, ये हमारी माँ बहने 20 साल से परेशान है. नगर सेवक लोग के सुन रहे आयुक्त, बोले आयुक्त साहब ने मना किया है लाइन नहीं डालने का. इतना कहते हुए आयुक्त साहब को मिलने चले गए, हमारा निवेदन नहीं लिया और चले गए वो.